सांस की डोर से मैंने बांधा है तुझे, करना चाहा बसर लम्हा लम्हा तुझे तूने चाहा नहीं मैंने चाहा है। पापा की डेथ के बाद बीजी ने ही बिजनेस को टेक ओवर किया। मुझे और राजी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो हमने कोई फस भी नहीं किया। घर का सारा खर्चा भी बीजी चलाती। आई थिंक मुझे अब जाना था। मत जाओ ना, इतने दिन बाद तो इस घर में थोड़ी सी खुशियाँ आई हैं। और फिर शादी में देखो ना कितना कम वक्त रह गया। तुम भी चली जाओगी तो बिल्कुल ही रौनक नहीं होगी। आज रात रुक जाओ ना, कल चली जाना, बातें करेंगे बैठ के। मैं तमामता का हकदार हूँ ना मोहब्बत का, बिल्कुल। तू ये माने ना। थैंक यू सो मच बाबा, क्या आप इतने शार्ट नोटिस बुला दे। बेटा ये था तुम्हारी मेहरबानी कि मुझे बुलवा लिया, ना भी बुलवाते तो क्या करते थे। अरे आपको शरीक किए बिना मैं शादी कैसे कर सकता था। वैसे ही जैसे पहले बिना रिश्ता तोड़ने का, शहर छोड़ने का, दोबारा रिश्ता जोड़ने का। कभी तुमने मुझसे पूछा कि मेरी राय क्या है। सर थक गया हूं, थोड़ा आराम करना चाहता हूं। बाबा आई एम सॉरी। इट्स ओके। बताओ तैयारी कहाँ तक पहुंची, कोई काम तो नहीं रह गया। जी वो शादी हॉल मैंने करवा लिया है। और अरे हाँ बैठो। बातों बातों में मैं वो चार्जेस की बात करना तो भूल ही गया। चार्जेस? हाँ भाई, आफ्टर ऑल इट्स योर प्रोफेशन। और फिर तुम एक जगह से जॉब छोड़ के यहाँ पर आई हो, वो भी मुस्कान के लिए। ज़ियान मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस वहां एज ए वॉलंटियर काम करती थी। एक्चुअली अम्मी की डेथ के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी और घर मुझे खाने को दौड़ता था, बस इसीलिए डे केयर ज्वाइन कर लिया। और वैसे भी बच्चे मुझे शुरू से ही बहुत पसंद थे और वहां वक्त कैसे कट जाता था पता ही नहीं चलता। तो अब बोलो व्हाट्स योर ऑफर। बट हाँ एक बात पहले ही बता दूं, आई एम वेरी एक्सपेंसिव। या आई नो, बट मुस्कान के लिए जो कुछ तुमने किया इट्स ऑसम। यार सैदू एक चीज समझ में नहीं आई यार, तूने खाला को मना क्यों किया भाभी को सारी सच्चाई बताने से, जबकि वो कितनी नफरत करती है तुझसे। यार भाभी को पता चलना चाहिए कि जो भी कुछ तूने किया है ना वो सब एक गलतफहमी की बुनियाद पे हुआ है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? ना गलतफहमी में किसी को भी कुछ भी किया जा सकता है, किसी के साथ किसी की जिंदगी के साथ खेला जा सकता है। नहीं जो जी मैं नहीं चाहता कि वो मुझ पर रहम करे, मैं चाहता हूं कि वो मुझसे बदला ले, मेरे गुनाहों की सजा दे मुझे। जो जी पता है वो कि जो इंतकाम का लावा होता है बदले के समंदर में जाके ठंडा होता है। किन सैदो वो भाभी तो बदले में कुछ भी कर सकती है, वो कुछ भी। अरे मैं भी यही चाहता हूं कि वो कुछ भी करे मेरी जिंदगी के साथ, उसको
उसको सजा देनी चाहिए मुझे। मेरी अम्मा ने भी कहा है कि मुझे कब्र में भी चैन नहीं आएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कब्र बेचैन। हाँ बाबर, मैं घर पे ही हूँ, आ जाओ। हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसे तो, हाँ तुम आ जाओ घर पे, नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज। जनाब ये रहा मुस्कान का वैक्सीनेशन चार्ज। वाओ, इट्स रियली ग्रेट, तुमने तो एक ही दिन में सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया। अरे ये तो कुछ नहीं है, डे केयर में यही सब कुछ दो दर्जन बच्चों के साथ करना पड़ता था। वैसे पूछो तो मैं परेशान हो गया था कि अरमा के बाद मुस्कान का ख्याल कौन रखेगा, लेकिन तुमने मेरी सारी मुश्किल हल कर ली। आई एम रियली हैप्पी कि तुम हो उसके पास। आखिर दोस्त होते ही किस लिए हैं? अनम, मैं एक बात कहूं अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। हाँ हाँ बोलो। डे केयर में इतने सारे बच्चों को छोड़ के आना, वो भी सिर्फ मुस्कान के लिए, सीरियसली आई हैव नो वर्ड्स। ज़यान मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ना कि डे केयर मेरे लिए सिर्फ खुद को एक मसरूफ रखने का जरिया था, वहां जाकर मुझे रिलैक्सेशन मिलती थी, बट यहाँ आकर सिर्फ रिलैक्सेशन ही नहीं बल्कि मुझे मेरा पुराना दोस्त भी मिल गया। No, I'm happy. It's really good for me. Excuse me. जी बुखारी साहब। Okay. ठीक है, आप एक काम करें ना, उसकी ब्लू फाइल सुबह मेरे ऑफिस डिलीवर कर दें, मैं उसको स्टडी कर लेता हूँ। यार एक अजीब सा सवाल परेशान कर रहा है, समझ नहीं आ रही क्या करूं। सवाल? कैसा सवाल, लंबी तो सुने। छोड़ो यार, बड़ा फजूल सवाल। हाँ, फजूल सवाल। तेरे उस फजूल सवाल को सुनने के लिए मुझसे ज्यादा फजूल आदमी कोई नहीं हो सकता। चल बोल क्या बात है। यार बाबर, एन की तबीयत डे बाय डे गिरती जा रही है, और ऐसे में अनम का मिल जाना, मेरा मतलब है कि कम ऑन यार, खुल के बता क्या बात है, तुम उसे अपने दिल की बात शेयर कर सकता है। बाबर अगर खुदा ना खासा एन को कुछ हो गया तो। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला एन को सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हो गया तो मेरा तुझे मशवरा है कि इस बार अनम को अपनी मोहब्बत से बेखबर न कर, कम से कम अपनी दिल की बात तो उसे शेयर करना। रास्ता दिल का ये तुझे तूने चाहा नहीं, मैंने चाहा है तुझे। Oh my God, ज़यान? अनम, अनम आरिफ। ओहो तो तुम हो वो इडियट जो मेरे पीछे पड़े हो। तुम कहां चली गई थी?
जी ये खाने की लिस्ट है जो मैंने अजी से फाइनल करवा लिया। कोई चेंजेस कराने हैं तो बता दे, मैं उसे फोन कर दूँ। इसकी जरूरत नहीं है। मैंने जो ऑर्डर करना था ना वो मैंने पहले ही दे दिया। अरे मगर आपने हमसे पूछे बगैर ऑर्डर कैसे दे दिया? देखो लड़की, यूं घर से भागकर शादी करने का मतलब ये नहीं कि तुम सलमा से आगे आगे भागोगी। मैंने जो करना था जैसे करना था सब कर लिया। चल लौंडे। उफला थक गई मैं। लिस्ट बन गई, दिखाओ। तुम्हें क्या हो गया? एकदम से मूड क्यों खराब हुआ? अभी तो ठीक थी। मैं सोच रही हूँ आज रात हाजरा आंटी के यहाँ चली जाऊं। ये घर तो अपना होके भी अपना नहीं लगता। ठीक है, तुम हाजरा आंटी के यहाँ जाना चाहती हो, जाओ। लेकिन ये मत कहो कि ये घर पराया है। ये घर हमारे अम्मा अब्बा की निशानी है और उन लोगों ने हमारे लिए ही बनवाया था। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। मैं तो सोच रही थी आप यहाँ से चली जाएंगी तो यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ससुराल आके मिल लिया करूंगी आपसे। अच्छा बताओ ये लिस्ट क्यों बनाई थी? रहने दें सर, ये वही लिस्ट है जो मैंने आपसे फाइनल करवाई थी, लेकिन बीजी अपनी तरफ से खाने का ऑर्डर दे चुकी है। अरे तो मेरी तो कोई उनसे बात ही नहीं हुई। आप ही हैंडल करें, मैं तो। अच्छा रुको मैं बात कर। बीजी मैं तो पहले ही जानती थी आपका सैदू को घर से निकालने का मकसद महज उसे पुलिस से बचाना था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि आप उसे इतनी जल्दी वापस बुला लेंगे। मुझे लगता है आपकी इसी ढील की वजह से वो जुर्म की दुनिया तक पहुंच गया। तुम्हारा शिकवा बजा है। मुझ जैसी माओ के बच्चे सैदू जैसे ही होते हैं। डेट, जिद्दी और आवारा। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस। तुम्हारा मतलब ये ना भी हो तो बात तो यही है, मुझे इस बात का एहसास है कि गलती मेरी है, मगर आज यहां से तू तुमसे माफी मांगने आया है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माफी? सैदू इधर आ बेटा। मुझे माफ कर दो। ठीक है, माफ किया। सुनो, मुझे नहीं पता था तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओ। ठीक है, मैं समझ सकती। वैसे पता है मैं भी यही चाहती थी कि तुम वापस आ जाओ। क्यों?
सोचती हूँ कि अगर तुम यहाँ नहीं होंगे तो मैं बदला कैसे लूंगी। ओ तुम्हें पता है ना कि मेरा बदला अभी बाकी है। पता है ना? खैर आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। सिर्फ अपनी मां को धोखा देने के चक्कर में तुमने मुझसे माफी मांग ली। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी चलाकी की। अपने घर में चोरी की और फिर माफी भी मांग ली। तुम्हें पता है इससे क्या प्रूफ किया है तुमने? ये कि अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में तुम कुछ भी कर सकते हो। कह दो जो कहना है। मां सो गई होगी तुम्हारी। बोलो गूंगे हो गए हो क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। आजरा आंटी को बुलाया है मैंने शादी में। आंटी आमजे वो आंटी कब से होगी तुम्हारी? अनम मैं ऐसे सोच रहा था कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? I'm really sorry. I didn't mean that. Oh, तुमने मेरा चेहरा पढ़ लिया तो मुझे बताना पड़ा। I'm sorry.